बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग द हिडन फेस। इस कहानी की शुरुआत में हमें एड्रियन नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो ऑर्केस्ट्रा कंडक्टर है। उसे उसकी गर्लफ्रेंड का मैसेज आता है जिसमें वो उससे ब्रेकअप कर लेती है क्योंकि इनके बीच में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा होता। अब एड्रियन ब्रेकअप से परेशान होकर एक बार में जाता है जहाँ पर वो बहुत शराब पी लेता है। इसी बार में फेबिना नाम की एक लड़की होती है जो उसे संभालने के लिए आती है, लेकिन एड्रियन को किसी की मदद की जरूरत नहीं है। उसकी हालत से साफ साफ पता चलता है कि उसकी गर्लफ्रेंड जो उसे छोड़कर जा चुकी है वो उससे बहुत प्यार करता है, और अब क्योंकि उसने बहुत ज्यादा शराब पी ली इसीलिए बार में काम करने वाली लड़की फेबिना उसे अपने घर ले जाती है। यहाँ जाने के बाद एड्रियन सो जाता है और अगली सुबह फेबिना से बिना अच्छे से बात किए वो अपने घर आ जाता है, पर उसे एहसास होता है कि उसे फेबिना से अच्छे से बात करनी चाहिए थी। इसीलिए रात को एक बार फिर से वो उसके बार में जाता है जहाँ पर वो फेबिना को उसकी मदद के लिए थैंक्स कहता है। और अब क्योंकि एड्रियन अकेला है इसीलिए फेबिना के साथ उसका रिलेशनशिप शुरू हो जाता है और जल्दी फेबिना उसके घर में शिफ्ट हो जाती है। एक सुबह जब फेबिना ब्रश कर रही होती है तभी उसे सिंक से अजीब सी आवाज आती है और उसे नहीं पता कि ये आवाज किस चीज की है। अब जब वो नीचे जाती है तो देखती है कि वहाँ पर एड्रियन के टेबल पर बहुत सारे पेपर्स बिखरे हुए हैं। इससे पहले कि वो उन्हें टच करती, एड्रियन आता और गुस्से से कहता है कि कभी इन्हें मत छूना। अब एड्रियन के घर में डिटेक्टिव आते हैं और उससे उसकी पहली वाली गर्लफ्रेंड के बारे में पूछते हैं। एड्रियन उन्हें वो वीडियो दिखाता है जो उसकी गर्लफ्रेंड ने आखिरी बार उसे भेजा था, जिसमें उसने कहा था कि इनका रिलेशन अच्छे से नहीं चल रहा इसीलिए वो घर छोड़कर जा रही है, साथ ही वो अपना सामान भी ले गई होती है। और इन दोनों डिटेक्टिव्स को एड्रियन पर शक है। इन्हें शक है कि एड्रियन की गर्लफ्रेंड जो पिछले दो दिनों से गायब है उसे एड्रियन ने मारकर यहीं कहीं छुपा दिया है। दोनों डिटेक्टिव्स में से जो जूनियर डिटेक्टिव होता है वो कभी फेबिना का एक्स बॉयफ्रेंड रह चुका है, इसीलिए फेबिना को अवेयर करता है। वो कहता है कि एड्रियन की गर्लफ्रेंड दो दिनों से गायब है और दो दिनों के बाद उसने तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बना लिया, तुम्हें ध्यान रखना चाहिए। फेबिना उसकी बात से डर तो जाती है, लेकिन फेबिना को एड्रियन जैसा ही बॉयफ्रेंड चाहिए था जो अमीर हो, जो सेटल्ड हो, ताकि उसकी लाइफ भी इजी हो जाए, इसीलिए उसी के साथ रहने का फैसला करती है। और फेबिना को कहीं ना कहीं इस घर में अजीब लग रहा होता है और खास तौर पर वॉशरूम में। जब वो शावर ले रही थी तभी अचानक से ठंडे पानी की जगह गर्म पानी आना शुरू हो गया जिससे उसकी बॉडी जलते जलते बच गई। और एक रात को जब वो बाथटब में होती है तभी बाथटब का पानी अपने आप ही वाइब्रेट होना शुरू हो जाता है। फेबिना ये देखकर डर जाती है, वो ये सारी बातें एड्रियन को बताती है, पर एड्रियन उसकी बातों को ज्यादा सीरियसली नहीं लेता। दरअसल फेबिना को लगता है कि इस घर में कोई ना कोई आत्मा है जो उसे परेशान कर रही है, और जब वो घर में अकेली होती है तभी उसे गले की एक चेन मिलती है जिसमें एक पेंडेंट भी होता है जो कि एक चाबी की तरह है। फेबिना को बहुत अच्छा लगता है इसीलिए वो उसे अपने गले में पहन लेती है। और तभी कुछ देर बाद यहाँ पर लाइट चली जाती है, उसे नीचे से कुछ आहट आती है और जब वो नीचे जाती है तो उसके ऊपर कोई हमला करता है। फेबिना गिर जाती है और अब एड्रियन भी घर पहुंच चुका होता है इसीलिए फेबिना के पास जाता है, उसे संभालता है। फेबिना बहुत बुरी तरह से डरी हुई होती है, वो कहती है मेरे ऊपर किसी ने हमला किया। एड्रियन कहता है यहाँ पर अक्सर लाइट जाती रहती है और जिसने तुम्हारे ऊपर हमला किया था वो मेरा डॉग है, वो कोई इंसान नहीं है, इस घर में कोई आत्मा नहीं है इसीलिए तुम्हें डरना नहीं चाहिए। अगले दिन एड्रियन को पुलिस का डिटेक्टिव का कॉल आता है और उसे बताया जाता है कि उन्हें एक डेड बॉडी मिली है, लेकिन उसकी पहचान करने के लिए उसे आना होगा। ये सुनने के बाद एड्रियन बहुत दुखी हो जाता है, लेकिन फेबिना कहीं ना कहीं खुश है क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड वापस उसकी जिंदगी में आए। और अभी दोनों के दोनों मॉर्चरी जाते हैं जहाँ पर एड्रियन बॉडी को देखने के बाद ये कन्फर्म करता है कि ये उसकी एक्स गर्लफ्रेंड की बॉडी नहीं है। इस बात से फेबिना कहीं ना कहीं नाराज हो जाती है, इसे एड्रियन महसूस कर लेता है और फेबिना से कहता है कि तुम्हें दुखी होने की, परेशान होने की जरूरत नहीं है, अगर मेरी एक्स गर्लफ्रेंड वापस आ भी गई तो भी मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा, मैं उस रिश्ते से पूरी तरह से मूव ऑन हो चुका हूं। ये सुनकर फेबिना को बहुत अच्छा लगता है। ये दोनों के दोनों घर वापस आ जाते हैं और जब ये एक दूसरे के क्लोज होते हैं तो फेबिना के सामने एक मिरर को दिखाया जाता है और उस मिरर के दूसरी तरफ एक लड़की होती है जिसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। और ये लड़की और कोई नहीं बल्कि ये एड्रियन की एक्स गर्लफ्रेंड है जो पिछले कई दिनों से गायब है, जिसने एड्रियन को लास्ट वीडियो मैसेज किया था और कहा था कि हमारे रिश्ते में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा इसीलिए मैं तुमसे ब्रेकअप करके इस शहर को हमेशा के लिए छोड़कर जा रही हूँ,
लेकिन वो इसी घर में बहुत बुरी हालत में है। मिरर की जो दीवार है वो उसके पीछे है। यहाँ से वो एड्रियन और फेबिना को साफ साफ देख सकती है, लेकिन एड्रियन और फेबिना उसे नहीं देख सकते क्योंकि मिरर की दीवार के पीछे जहाँ पर एड्रियन की गर्लफ्रेंड है वहाँ से रूम में, वॉशरूम में, अलग अलग जगहों पर तो देखा जा सकता है, लेकिन घर के अंदर से उस जगह पर नहीं देखा जा सकता। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। और यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहाँ पर हम देखते हैं कि एड्रियन अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ बहुत खुश था। एड्रियन को एक बहुत बड़े ऑर्केस्ट्रा में जॉब मिलती है, इसीलिए उसे अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ इस शहर में मूव होना पड़ता है। एड्रियन के नए ऑर्केस्ट्रा में एक लड़की होती है जो वायलिनिस्ट है, जिसका नाम वेरोनिका है। एड्रियन हमेशा उससे फ्लर्ट किया करता था, जिसके बारे में एड्रियन की एक्स गर्लफ्रेंड को पता था। और एक दिन वो उसे उसके साथ फ्लर्ट करते हुए देख लेती है, जिसके बाद इनके रिश्तों में दूरी आना शुरू हो जाती है। एड्रियन की एक्स गर्लफ्रेंड हमेशा उस पर शक किया करती थी। और एक दिन उस घर की ओनर, जिस घर में ये दोनों रहते हैं, वो एड्रियन की एक्स गर्लफ्रेंड के पास आती है। एड्रियन की एक्स गर्लफ्रेंड अपने रिश्तों को लेकर बहुत ज्यादा दुखी होती है और वो घर की ओनर को ये बात बता देती है। घर की ओनर कहती है कि तुम अपने प्यार को टेस्ट कर सकती हो। और इसके बाद वो उसे मास्टर बेडरूम में ले जाती है, जहाँ पर एक सीक्रेट दरवाजा होता है जिसे खोलने पर अंदर एक रूम होता है जहाँ पर एक आदमी के रहने के लिए सारी फैसिलिटीज हैं, लेकिन इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। वो लेडी बताती है कि मेरे हस्बैंड हिटलर की आर्मी में थे, वो एक बड़े ऑफिसर थे, इसीलिए उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए ये हिडन रूम बनाया था, लेकिन कई सालों से ये यूज नहीं हुआ। अगर तुम चाहती हो कि तुम अपने प्यार को टेस्ट करो तो तुम उससे ब्रेकअप करने के बाद यहाँ पर 2-3 दिन के लिए छुप सकती हो, ताकि तुम्हें पता चल जाए कि तुम्हारा जो बॉयफ्रेंड है यानी कि एड्रियन, वो तुमसे प्यार करता है कि नहीं। और ये आइडिया एड्रियन की एक्स गर्लफ्रेंड को बहुत अच्छा लगता है। और जब एड्रियन घर पर नहीं होता तो वो उसके लिए एक वीडियो रिकॉर्ड करती है, जिसमें वो कहती है कि मैं तुमसे ब्रेकअप करके यहाँ से जा रही हूँ। इसके बाद वो अपना सारा सामान, पासपोर्ट लेकर उस हिडन रूम के अंदर आ जाती है, लेकिन वो चाबी, जिस चाबी से उस हिडन रूम के दरवाजे को खोला जा सकता है जो बाहर से नहीं दिखता, वो उससे गलती से भारी छूट जाती है। और अंदर आने के बाद एड्रियन की एक्स गर्लफ्रेंड वहाँ उस हिडन रूम में फंस जाती है। हालांकि वो अंदर से घर के हर एक हिस्से को देख सकती है क्योंकि इस रूम को इसी तरह से डिजाइन किया गया था, लेकिन बाहर जो लोग होते हैं उन्हें अपने सामने सिर्फ मिरर दिखता है। एड्रियन की एक्स गर्लफ्रेंड एड्रियन को कॉल करने की कोशिश भी करती है, लेकिन यहाँ पर कवरेज नहीं होता। साथ ही पूरा रूम साउंड प्रूफ है, आप कितना भी चिल्ला लो यहाँ से आवाज बाहर नहीं जाएगी। एड्रियन की एक्स गर्लफ्रेंड यहाँ पर पूरी तरह से फंस चुकी है, उसे नहीं पता कि वो बाहर कैसे निकलेगी। एड्रियन भी इस बात से बहुत दुखी होता है, लेकिन एक दिन बाद ही उसका फेबिना से रिलेशनशिप शुरू हो जाता है। साथ ही इनके घर में जो डॉग होता है वो हमेशा मिरर के सामने बैठा रहता है, क्योंकि उसे पता है कि मिरर के दूसरी तरफ एड्रियन की एक्स गर्लफ्रेंड है, जिससे वो बहुत प्यार करता है। और अब एड्रियन की एक्स गर्लफ्रेंड को ये भी लगता है कि एड्रियन ने उसे धोखा दिया है, उसके जाने के बाद उसने नया रिलेशनशिप शुरू कर दिया। और उसे इस बात का भी एहसास है कि एड्रियन उससे बहुत प्यार करता था, क्योंकि उसके चले जाने के बाद वो बहुत ज्यादा दुखी था। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है, जहां पर एड्रियन की एक्स गर्लफ्रेंड को दिखाया जाता है, जो कि अंदर से पूरे घर को यानी कि वॉशरूम को और साथ ही बेडरूम को भी देख सकती है। और अगली सुबह जब फेबिना वॉशरूम में होती है तो वो अंदर से उसे जोर जोर से गालियां दे रही होती है, क्योंकि उसकी जगह जो कि एड्रियन की जिंदगी में थी अब फेबिना ने ले ली है। फेबिना को वॉशरूम में पहले भी बहुत अजीब अजीब सी हल्की हल्की आवाजें, किसी की सिसकियां सुनाई देती थी, साथ ही कभी कभी पानी भी वाइब्रेट होता था। और आज एक बार फिर से ऐसा ही होता है। फेबिना सिंह के पास जाती है, जिसके अंदर से हल्की हल्की आवाज आ रही होती है। ये आवाज और किसी की नहीं बल्कि एड्रियन की एक्स गर्लफ्रेंड की है, जो उस सीक्रेट हिडन रूम से उसे आवाजें लगा रही होती है। और इस आवाज को फेबिना धीरे धीरे सुन सकती है, लेकिन क्लियर उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा होता। और इस बात से वो डर जाती है, उसे लगता है कि इस घर में किसी की आत्मा है जो उसे परेशान कर रही है। उसे पूरा यकीन हो जाता है कि एड्रियन की एक्स गर्लफ्रेंड इस दुनिया में नहीं रही और ये उसी की आत्मा है। साथ ही कभी कभी यहाँ पर कोल्ड शावर अपने आप ही हॉट शावर में बदल जाता है। और ऐसा इसलिए हो रहा होता है क्योंकि जिस हिडन रूम में एड्रियन की एक्स गर्लफ्रेंड होती है वहां पर पानी की पाइप में एक नॉब होता है, और उस नॉब से पानी को ठंडा या गर्म किया जा सकता है, क्योंकि वो एड्रियन की नई गर्लफ्रेंड फेबिना से नफरत करती है। इसीलिए
बार बार वो उसकी स्किन को जलाने के लिए उसे सजा देने के लिए ऐसा कर रही होती है। और यहाँ पर फेबिना को लगता है कि इस घर में कोई प्रेत आत्मा है। एड्रियन उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता, इसीलिए वो परेशान होती है। और एक दिन जब वो घर पर अकेली होती है तो वॉशरूम में जाती है, जहाँ पर वो वॉशरूम के सिंक के अंदर पानी भरती है और मिरर की तरफ देखते हुए सवाल पूछती है, क्या तुम कोई आत्मा हो? उसके इस सवाल से पानी में कोई भी हलचल नहीं होती। इसके बाद फेबिना दूसरा सवाल पूछती है, वो कहती है, क्या तुम कोई इंसान हो? और इस सवाल के जवाब में पानी में वाइब्रेशन होना शुरू हो जाती है। हमें अंदर हिडन रूम में दिखाया जाता है, जहां पर एड्रियन की एक्स गर्लफ्रेंड पाइप पर जोर जोर से हिट कर रही होती है और इसी वजह से पानी में वाइब्रेशन होना शुरू हो जाती है। ये देखकर फेबिना समझ जाती है कि इस घर में कोई ना कोई इंसान फंसा हुआ है जो उसे देख रहा है। साथ ही यहाँ पर एड्रियन और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड का जो डॉग होता है वो मिरर की तरफ देख कर भौंक रहा होता है। इसके बाद फेबिना को पूरा यकीन हो जाता है कि ये और कोई नहीं बल्कि एड्रियन की एक्स गर्लफ्रेंड है, जो मिरर के पीछे किसी कमरे में फंस चुकी है। वो चाहकर भी वहां से नहीं निकल पा रही। इसके बाद वो एलमीरा चेक करती है और वहां पर उसे एक होल मिल जाता है, जो कि की का होल होता है, और उसे खोलने के लिए उसे की चाहिए। और तभी वो अपने गले में उस चाबी को देखती है जिसे वो एक लॉकेट समझ रही थी, लेकिन वो इस लॉकेट से, इस चाबी से दरवाजा नहीं खोलती, क्योंकि वो नहीं चाहती कि एड्रियन की एक्स गर्लफ्रेंड वापस आए और वो खुद उसकी जिंदगी से दूर हो जाए, क्योंकि एड्रियन जैसा लड़का मिलना उसके लिए बहुत मुश्किल है। वो बहुत गुड लुकिंग होता है, बहुत अमीर होता है, इसीलिए वो उस बेडरूम को ही चेंज कर देती है, जिस बेडरूम के मिरर के पीछे वो हिडन रूम है जहां पर एड्रियन की एक्स गर्लफ्रेंड है। और अब एड्रियन जब घर आता है तो बहुत ही शांत रहता है, वो पहले से बहुत बदला हुआ है। फेबिना को लगता है कि अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के चलते वो इस तरह से परेशान है, इसीलिए वो ज्यादा रिएक्ट नहीं करती। और अगले दिन उसका वो दोस्त आता है जो कभी उसका एक्स बॉयफ्रेंड हुआ करता था, जो कि अब एक डिटेक्टिव है। वो उसे एड्रियन की कुछ फोटोज दिखाता है जिसमें वो एक लड़की के साथ होता है जो कि और कोई नहीं बल्कि उसी के साथ काम करने वाली उसकी वायलिनिस्ट वेरोनिका होती है। वो वेरोनिका को किस कर रहा होता है। यहाँ पर फेबिना को समझ में आ जाता है कि एड्रियन एक धोखेबाज इंसान है, वो कभी उसका नहीं हो सकता। इसीलिए वापस घर आती है और घर आने के बाद वो वॉशरूम से एक बार फिर से एड्रियन की एक्स गर्लफ्रेंड को पुकारती है, लेकिन पानी में कोई वाइब्रेशन नहीं होती, यानी कि वो उसकी बात का जवाब नहीं दे रही। इससे फेबिना घबरा जाती है क्योंकि एड्रियन की एक्स गर्लफ्रेंड को गायब हुए 2 हफ्ते से ज्यादा हो चुके हैं, इसीलिए वो किसी उस सीक्रेट दरवाजे को खोल कर अंदर जाती है। अंदर की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। वहीं कॉर्नर में एक बेड भी होता है जहां पर एड्रियन की एक्स गर्लफ्रेंड बेहोश होती है, और जब फेबिना उसके पास जाती है तो एड्रियन की एक्स गर्लफ्रेंड उसके सिर पर बोतल से हमला करके उसे बेहोश करके उसे वहीं बंद करके बाहर आ जाती है, और चाबी भी अब उसके पास है, यानी कि अब फेबिना अंदर कैद हो चुकी है जिस तरह से एड्रियन की एक्स गर्लफ्रेंड थी। दरअसल वो बेहोश होने का नाटक कर रही थी, और अब जबकि वो आजाद हो चुकी है तो सबसे पहले वो फ्रेश होती है और इसके बाद अपनी और एड्रियन की एक फोटो उसी मिरर पर चिपका देती है जिस मिरर के पीछे फेबिना अब कैद है। साथ ही उसके पास जो की होती है वो उस की को एड्रियन के कमरे में छोड़कर यहाँ से निकल जाती है। एड्रियन जब रात को घर आता है तो उसका डॉग उसे भौंकता हुआ की के पास ले जाता है। साथ ही वो देखता है कि सामने मिरर के ऊपर उसकी और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड की फोटो है, और इसी मिरर के पीछे फेबिना भी कैद है जो उसे देख रही होती है, लेकिन उसे अंदाजा नहीं है कि इस मिरर के पीछे फेबिना है। उसकी दूसरी गर्लफ्रेंड भी गायब हो चुकी है और इसका इल्जाम भी उसी के ऊपर आएगा। वही हमें एड्रियन की एक्स गर्लफ्रेंड को दिखाया जाता है जो एक बीच पर अकेली बैठी हुई है। वो अपनी जिंदगी की अब एक नई शुरुआत कर चुकी है। और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।